13 दिसंबर 2005 के पहले जो काफी हैं और जो तीन पीढ़ी सजा रहे हैं उनको पट्टा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करके फिर से रिव्यू किया जाएगा और उसको पट्टा दिया जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं माओवादी से बात करूंगा, इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा और किसी गलत फहमी नहीं हो। मैंने ये कहा कि मैं पीड़ित पक्ष के लोगों से बात करूंगा, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, जो यहाँ बस्तर में निवास कर रहे हैं या जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों से बात करूंगा, नंबर एक। नंबर दो, मैंने ये कहा कि वहाँ के पत्रकारों से मैं बात करूंगा। नंबर तीन, मैं वहाँ के व्यापारियों से बात करूंगा। नंबर चार, जो जवान वहाँ तैनात हैं उनसे बात करूंगा। नंबर पाँच, वहाँ के बुद्धिजीवियों से बात करूंगा, जो नक्सल समस्या को बहुत करीब से देखें उन लोगों से मैं चर्चा करूंगा, और सारे लोगों से चर्चा कि जो प्रभावित है उनसे हम पहले बात करें कि उनके उनके क्या गुजर रहा है, वो किस प्रकार से निदान चाहते हैं, किस प्रकार से निदान हो सकता है। जो प्रभावित है वो सबसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जो करीब से देख रहे हैं वो सबसे अच्छा समझ सकते हैं। मैंने उनसे बात करने की बात कही। संविदा जो रिटायर हो गए हैं बहुत जरूरी हो गया, उनको रखें, बचत सब जितने संविदा वाले हैं उसको सब हटाए। मैं पहले आदिवासियों के बारे में समीक्षा करने की बात है, जो राजनीतिक द्वेषवश जिन लोगों के खिलाफ भी, न केवल कांग्रेस के बल्कि किसी के भी खिलाफ यदि राजनीतिक द्वेषवश, चाहे पत्रकार हो चाहे व्यापारी हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे गैर कांग्रेसी, यदि भाजपा के लोग हैं उनके खिलाफ यदि राजनीतिक द्वेष से कहीं केस दर्ज किया है तो उसकी समीक्षा करके वापस। अब प्रधानमंत्री जी के बात करने का जो स्तर है वो 5 साल में उन्होंने गिराया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने जिन किसानों ने धान बेच दिया था और ऋण में समायोजित कर दिया था, ऐसे किसानों की संख्या लगभग 3.5 लाख और उनके कर्ज है वो 1248 करोड़, उसको हमने 10वें दिन में ही वापस कर दिया। मैं समझता हूँ बस्तर में भी इस प्रकार से 95% किसानों के खाते में पैसा पहुँच चुका है। बजट जो है उसकी समीक्षा की जा रही है कि वास्तविक ऋण कितना है और उसको ऑडिट करने के बाद ही तो ऋण माफ़ी होगी, और ये उस प्रकार की घोषणा नहीं है कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख से जाएगा, इस प्रकार की घोषणा नहीं है। हम वास्तविक बनाने की हमने घोषणा की है, उसमें एक कानूनी ये है कि NIA, चूँकि NIA को हमने सौंप दिया था और NIA जांच कर रही थी और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। NIA को हमने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा है कि हम वो केस वापस लेना चाहते हैं, और वो जिस दिन वो हमको वापस कर देंगे उस दिन से जांच शुरू।